अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो बस अभी हो रहा है सुबह का टाइम और हम लोग हो गए हैं रेडी। तो जैसे कि आपको बताया था कि हम लोग जाएंगे नेशनल पार्क घूमने के लिए, तो वो हमें सुबह ही जाना है। तो बस अभी हम लोग तैयार होके खड़े हैं क्योंकि ये लेने गए हैं गाड़ी। तो बस अभी बच्चे भी उठ गए हैं जल्दी, तो उनको भी तैयार कर दिया है मैंने। सभी लोग रेडी हैं जाने के लिए। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं अभी गाड़ी लेके आया हूँ क्योंकि जैसा कि आपको पता है गाड़ी घर पे रहती नहीं है, कहीं और रखना पड़ती है हमको। तो बस वहाँ से उठा के लेकर आया हूँ अभी गाड़ी। बस सबका वेट कर रहा हूँ आने का। आसिफा का फ़ोन आ गया था, रेडी हुए हैं सब लोग। बस अब जाना है हमें, कल नहीं जा पाए, कल गेट से वापस आना पड़ा क्योंकि शाम ज़्यादा हुई थी, तो मुझे बोल रहे थे पूरा नहीं घूम पाएंगे, इसलिए आप सुबह आना तो आप पूरा घूम लेंगे अच्छी तरीके से, और आप लोगों की दुआ से ठीक ठाक चला लेता हूँ गाड़ी। और जी मंगाया मैंने, देख लीजिए आप क्या मंगाया मैंने जी। आ जाए देख लीजिए आप, गाड़ी में लगाने का, कैमरा लगाने के लिए, मोबाइल लगाने के लिए मोबाइल होल्डर। तो ये इस तरीके से चिपका दिया है इसको। तो बस अभी ये गाड़ी लेकर आ गए हैं और बस अभी हम लोग बैठ रहे हैं गाड़ी में, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मोबाइल क्योंकि आगे जो ट्राइपॉड है, मतलब ट्राइपॉड बोलते क्या बोलते हैं, मोबाइल होल्डर, तो वो आगे लगा दिया है जो गाड़ी में लगाने का आता है। तो बस उसी को मैं उसमें ही जो है ना मोबाइल आगे सेट कर रही हूँ एक, क्योंकि हम लोग दो मोबाइल से वीडियो शूट करते हैं, तो एक मोबाइल में इसमें सेट कर दी जिससे आगे की वीडियो बनती जाएगी। और हम लोग यहाँ देख लीजिए सभी लोग बैठ गए हैं जाने के लिए सुबह सुबह घूमने के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए अनाया खा रही है चिप्स, तो क्योंकि हम लोग नाश्ता वगैरह करके नहीं जा रहे हैं, हमने सोचा था कि आज हम लौटते में ही जो है ना बाहर नाश्ता करेंगे। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं इधर पुरानी सिपरी साइड से ही, क्योंकि यहाँ से ही रास्ता है, वैसे घूम के भी जा सकते हैं लेकिन हमने कहा इधर से जाते हैं। और अभी सुबह सुबह का टाइम है तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, वैसे इस साइड जो है ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अगर नॉर्मली शाम के टाइम निकलो तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन अभी सुबह सुबह है, खाली है सारा कुछ। तो यहाँ देख लीजिए हम लोग पहुँच गए हैं नेशनल पार्क, और एक और गाड़ी आई हुई है, कुछ लोग हैं इसमें तो वो भी जा रहे हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग अभी टिकट लेंगे, तो हमारे साथ ये भैया भी जा रहे हैं, इनके दोस्त तो वो भी हैं साथ में ही, और बस यहाँ पे ये टिकट बनवा रहे हैं। तो यहाँ का जो टिकट है वो है 1800 रुपये, और ये है माता राष्ट्र उद्यान, और ये चेथामनी लिखी हुई है। तो चलिए चलते हैं, टिकट वगैरह ले लिया है, और एक हमारे साथ भैया भी जाएंगे बताने के लिए रास्ता वगैरह, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है अंदर से जंगल ये है। तो बस एक हम लोग अंदर एंटर हो जाते हैं और देखते हैं आज क्या क्या मिलता है। वैसे भैया बोल रहे हैं अगर आप सुबह 5 बजे 5:30 बजे आते ना तो काफ़ी जानवर देखने को मिलते, लेकिन अब जो है ना धूप क्योंकि गर्मियाँ हैं, वैसे ज़्यादा लेट नहीं है लेकिन गर्मियों की वजह से धूप बहुत तेज़ होती है, तो इसलिए बोल रहे हैं। तो बस अभी यहाँ पर हम रुके हैं, तो बस अभी हम लोग आ चुके हैं नेशनल पार्क, और हम लोग आए फर्स्ट टाइम, और देखिए ये तो यहाँ शुरू से रह रहे हैं फिर भी ये नहीं आए। तो ऐसा होता है कि जिस शहर में होती है जगह घूमने की वहाँ भी हम लोग नहीं जा पाते हैं, तो बस आज हम लोग आ चुके हैं। तो वैसे हम शाम को आए थे लेकिन शाम ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने पूछा था कि पूरा घूम नहीं पाओगे तो सुबह आ जाना। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं, और टाइम हो रहा है अभी 8:15 हो गए हैं और हम लोग अंदर आ चुके हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा ये उन्होंने भैया ने बोला कि आप लोग उतर लो और थोड़ी वीडियो वीडियो बना लो जो आपको फ़ोटो वगैरह, क्योंकि यहाँ का व्यू अच्छा है। तो बस अभी हम लोग आए हैं और अभी अंदर जा रहे हैं, ये अंदर की साइड बना हुआ है, और देखो जानवर वगैरह क्या देखने को मिलते हैं अभी कुछ पता नहीं है। और ये आ रहे हैं इनाया, इनाया के पापा तो बस मिट्टी से खेलना है, उसको तो मिट्टी मिल गई मरम। हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे अंदर, ये लिखा है साक्षी सागर सीलिंग क्लब। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, और ये है बाहर का व्यू इसका। तो अभी चलते हैं अंदर, और सब लोग जा चुके हैं सिर्फ मैं रह गई हूँ, तो चलिए।
वाह। तो यहाँ देख लीजिए, चारों तरफ का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ये जो नदी है वो चारों तरफ मिलेगी, जहाँ जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक ये फैली हुई है। तो ये वही है जो हम जिसमें हम बोट में घूमे थे ना, तो ये बोट में से दिखाई दिया था, तो वही है ये। और यहाँ पे बस हम लोग घूम रहे हैं। भैया ने बोला कि आप थोड़ा बैठ भी सकते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम है घूमने के लिए, और आप फोटो वीडियो शूट वगैरह कर लीजिए। तो क्योंकि यहाँ का व्यू जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो जो भी घूमने करने आते होंगे ना, तो वो यहाँ फोटो वगैरह क्लिक करते होंगे, तो इसलिए भैया बोल रहे थे। और आलिया बोल रही थी, मम्मी इसमें क्या है ये ब्लैक ब्लैक? तो उसमें एक रस्सी थी, लेकिन आलिया सोच रही थी कि ये स्नैक है, लेकिन नहीं, वो रस्सी थी। और इनाया को भी दिख गई है, तो इनाया भी बता रहे हैं। और ये मैं बोल रही हूँ कि कितनी बड़ी है, मतलब जहाँ तक हम लोग जाएंगे वहाँ तक ये मिलेगी। और यहाँ पे ये रूम वगैरह भी बने हुए हैं, ये खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल, ये भोजन कक्ष लिखा हुआ है। और चलिए अब चलते हैं वापस, क्योंकि वैसे तो भैया बोल रहे थे कि आराम से बैठिए आप, लेकिन हमने कहा कि वैसे तो हम लेट हो गए और लेट हो जाएंगे। और यहाँ के जो रास्ते थे ना बहुत मतलब अजीब से थे, क्योंकि पूरी मर्रम रोड थी और चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी गाड़ी को, तो इसलिए मतलब। और आराम आराम से चलाई थी क्योंकि जानवर वगैरह देखना है, तो आराम से ही चलाना पड़ेगी। हाँ देखिए, मैं आपको जोश किशन कोटी के बारे में बता देता हूँ। उसको 1911 में माधव राव सिंधिया जी ने बनवाया था। उनके एक फ्रेंड थे इंग्लैंड के राजा जोर्ज फिंचम, जो कि इन जंगलों में बाघ का शिकार करने के लिए माधव राव सिंधिया जी ने इनवाइट किया था, क्योंकि 1911 में बहुत ज़्यादा टाइगर यहाँ पे हुआ करते थे। अब देखिए क्या हुआ, वो ग्वालियर आ गए थे, जोर्ज फिंचम जी हैं, तो ग्वालियर से शिवपुरी के लिए आ रहे थे। तो 50 किलोमीटर आने पर एक मोहना करके सिटी मिलती है, उसमें भी जंगल रहता है पूरा टोटल। तो उसी के पास में एक वाटरफॉल है सुल्तानगढ़, तो वहाँ उन्हें टाइगर मिला और टाइगर के शिकार करके वो वापस हो गए, यहाँ तो आए नहीं। बाकी जोश केसर को इतनी अच्छी हाइट पे बनाया हुआ है, उसकी जो हाइट है 484 मीटर है, समथिंग 1650 फीट। तो आप उसकी हाइट पे जाएंगे तो बहुत अच्छा व्यू दिखेगा, उसकी छत पे जाएंगे तो जो भी हमारे यहाँ पे सुप्रीम में मतलब घूमने की जगह, उनकी भी उसमें फोटो गैलरी म्यूजियम बना रखा है, और उसकी हाइट पे छत पे जाते हैं तो बहुत अच्छा व्यू दिखेगा, जैसे कि पूरा फॉरेस्ट दिख जाएगा और सुपरी सिटी दिख जाएगा। तो बस अभी हम आ गए इस हवेली पर, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और जंगल में ऐसे टीवियों में देखते हैं ना मूवी वगैरह में कि जंगल होते हैं और उसमें बीच में कोई हवेली या घर मिल जाता है देखने के लिए, जैसे ही ये बना हुआ था, देखिए कितना खूबसूरत लग रही है ना। लेकिन बस धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी, और जो गाड़ी हमारे आगे चल रही खड़ी हुई थी वो भी आ चुकी है यहीं पर। और ये भैया बता रहे थे कि ये टाइल्स जबी के हैं, जब ये बनी हुई थी मतलब 110 साल पुराने। और जो इधर अंदर के और ये बाहर के टाइल्स अभी दूसरे लगे, लेकिन ये बीच वाले पुराने हैं और इनके अंदर प्रिंट हो रखा है टाइल्स के अंदर, तो बहुत पुराने टाइल्स हैं। और ये अंदर कुछ बुक्स वगैरह रखी हुई हैं और पिक्चर वगैरह लगी हुई हैं जो राजा वगैरह यहाँ आते थे उनकी, और जो भी यहाँ घूमने की चीज़ें हैं उन सभी की यहाँ फ़ोटो वगैरह लगी हुई हैं। तो बस ये हम सब लोग देख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अंदर से अच्छा लग रहा था, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ठंडक भी थी, अच्छा लग रहा था। मतलब बाहर गर्मी में खड़े हुए थे हम लोग, फिर अंदर आए तो अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और बस ये हम सब लोग देख रहे हैं, और ये इसके अंदर जो है सारे जानवरों के फोटोज लगे हुए हैं जो यहाँ पे मिलते थे पहले, लेकिन अब ज़्यादा नहीं है, मतलब अब कम है फोटो जानवर यहाँ पे। जो जानवर पहले थे उसके मुकाबले अब बहुत कम रह गए हैं। और देखो कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं, क्योंकि गर्मियाँ हैं। भैया बोल रहे थे बरसातों में अगर आओगे तो काफ़ी जानवर देखने को मिलेंगे, तो अब हम आएंगे अगर बरसात में मौका पड़ा तो बरसात में ज़रूर आएंगे, क्योंकि गर्मी में तो हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि गर्मियों में घूमने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता। लेकिन बस प्लान बन गया हमारा, तो इसलिए हम लोग घूमने आ गए। और बस यहाँ पे ये सारे पिक्चर वगैरह हम लोग देख रहे हैं, और यहाँ पे ये एक बाथरूम बना हुआ था उसी टाइम का, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। तो अभी देखने चलते हैं अंदर,
तो ये देख लीजिए, यहाँ पे बाथ टब है, सारी चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा प्यारी सुंदर लग रही थी बाथरूम। मतलब इतने पुराने ज़माने में भी इस तरीके की बाथरूम बनाई जाती थी। राजा महाराजाओं के लिए सभी चीज़ें सुविधाएं पहले से हैं, जो कि हम लोग अब देख रहे हैं वो चीज़ें पहले से ही शुरू से चली आ रही हैं और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। मतलब हम लोग पूछ रहे थे कोई रिपेयर वगैरह अभी नया किया है, तो बोल रहे नहीं, बिल्कुल जो बना हुआ है पहले का ही बना हुआ है। और अभी चलते हैं ऊपर, तो ऊपर से भी देखते हैं व्यू कैसा है। और यहाँ पे ये स्टील की ग्रिल लगी, जो कि शायद अभी नहीं लगाई होगी। तो यहाँ देख लीजिए, चमचमाती धूप में हम घूमने आए हैं जंगल में। क्योंकि देखो अभी तो जंगल भी जो है ना सूखा सूखा सा है, अगर बरसात के टाइम आते तो हरियाली हो रही होती और अच्छा भी लग रहा होता, लेकिन कोई नहीं। ये जो बाथरूम बने नीचे वो जब ही की है, कितने साल हो गए? 1911 का, तो मान लीजिए 110 साल हो गए। 1911 का जो भी कुछ लगाया, चेंज नहीं किया बिल्कुल? नहीं नहीं, जिसे चेंज कर दिया है। नहीं, ये तो किया नहीं उसका, नहीं, कुछ भी नहीं है ना। तो ये है पीछे का व्यू इसका। बस यहाँ पे ऊपर भी कुछ रूम बने हुए हैं, तो उसमें भी देख लेते हैं। तो इसमें भी उसी तरीके के फोटो लगे हुए हैं। और इनाया को जो है ना इन्होंने गोदी में पकड़ के रखा है, क्योंकि यहाँ पे ये बाउंड्री जो है ना बहुत छोटी छोटी सी थी, तो ये भाग रही थी, तो इसलिए इन्होंने गोदी में ले लिया था, क्योंकि डर लगता है बच्चों का। और अभी हम चलते हैं और ऊपर, तो यहाँ पे ऊपर से पूरा व्यू दिखेगा अच्छे से। और मैं आलिया से बोल रही हूँ कि अच्छे से पकड़ के आना, क्योंकि डर लगता है। गोल गोल सीढ़ी बनी हुई थी एक ही जगह पूरी, और ऊंचाई भी है, तो थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन बस देखने का है कि देख लें कैसा लगता है। और जब घूमने आते हैं तो लगता है कि अच्छे से घूम लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ ऊपर, और यहाँ ऊपर से देख लीजिए पूरा दिखाई दे रहा है चारों तरफ का एरिया। सूखे सूखे पेड़, लेकिन थोड़ी आगे की साइड हरे हरे पेड़ भी हैं। तो यहाँ ये कुछ लोग घूमने आए थे, तो जो साथ में हमारे इनके फ्रेंड हैं, तो उनसे बोलने लगे कि फ़ोटो क्लिक कर दो, तो बस वही फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। और अभी धीरे धीरे सभी लोग ऊपर आ गए हैं, तो अभी हम चलेंगे उस साइड। ये देख लीजिए, हम मैं जा रही हूँ इधर। क्योंकि ये थोड़ा सा ऊंचा है, और तो यहाँ से मैं पूरा शूट करने की कोशिश कर रही थी, और आलिया भी बोल रही थी कि मम्मी मुझे भी आना है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था। फिर भैया ने जो है ना उसको हाथ पकड़ के इधर ले लिया है, तो मैंने बोला है कि बीच में खड़े रहना, क्योंकि बाउंड्री नहीं है, सिर्फ इस तरीके से बना हुआ है। और ये अपनी वाइफ को वीडियो कॉल कर रही हैं, मतलब जो भाभी थी ना हमारे साथ बर्थडे टाइम पर, तो उन्हीं को बता रहे हैं वीडियो कॉल करके। तो हमने अभी ये घूम लिया है, और अभी हम आसपास का जो इलाका है उसको भी हम घूम रहे हैं, तो जंगली इलाका घूम रहे हैं हम, और चारों तरफ जंगली जंगल है। जंगल घूमने आए तो जंगली होगा। तो यहाँ जो भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोग बोल रहे थे कि ये सूखे हुए हैं, लेकिन भैया ने बोला कि ये हरे पेड़ हैं, लेकिन अभी ऐसे हो जाते हैं, पतझड़ हो चुकी है ना इसलिए। तो अभी मैं जा रही हूँ वहाँ पे, और सब लोग हैं वहाँ पे, मैं अकेली जा रही हूँ। यहाँ देख लीजिए, ये एक बना हुआ था, तो मैंने कहा यहाँ पे क्या है देखते हैं, तो बस यहाँ हम आए हैं। और ये इस तरीके का चबूतरा टाइप बना हुआ है, और इन्नू भी आ गई है, तो इन्नू बोल रही है कि हाथ छोड़ दो मुझे जाना है, तो बस मैंने उसको गोद में ले लिया है। और मैं देख रही हूँ उधर की साइड, तो बस वो उतरने की जिद कर रही थी, तो मैंने उसे पकड़ लिया है कस के, और मैंने इनसे बोला कि तुम वीडियो शूट कर लो, मैं इसको संभाल लेती हूँ।
और यहाँ ये मैप बना हुआ है इसका, पानी की यात्रा लिखी हुई है। तो बस यहाँ पे ये भी खड़े हुए हैं, ये दिखा रहे हैं अपनी वाइफ को, क्योंकि वो अपने मायके गई हैं अभी भाभी, तो उनको वीडियो कॉल पे दिखा रहे हैं। और मैं फिर आ गई थी यहाँ पे, ये अलग से बना हुआ था एक, तो ये क्यों बना था ये मुझे नहीं पता, बस बना हुआ था तो मैंने कहा चलो इसको भी देख कर आते हैं। तो यहाँ पे ये सीढ़ियाँ हैं, और फिर मैं ये देख लीजिए मैं आपको दिखा रही हूँ, और फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे आराम करने के लिए या फिर संगीत वगैरह सुनने के लिए बैठते होंगे या फिर शिकार करने के लिए देखते होंगे यहाँ से, क्योंकि पूरा खुला हुआ था। तो बस अभी यहाँ से घूम लिया, अब चलते हैं आगे। तो यहाँ देख लीजिए कुछ हिरन का झुंड जो है बैठा हुआ है। हम लोग थोड़े आगे चले तो बिल्कुल शांत होना पड़ता है, और फिर ये देख रहे थे, हम लोग इनको देख रहे थे, ये हमको देख रहे थे, और थोड़ी सी भी आवाज़ होती है तो ये भागने लगते हैं। तो बस हम लोग शांत खड़े होकर इनको देखे जा रहे थे, क्योंकि कोई जानवर हमें नहीं दिखा था, पहले यही जानवर दिखे थे, और मतलब नील गाय, हिरन और क्या था, सांभर, मतलब इस तरीके के जानवर, कुछ जानवर दिखे थे, जैसे कि ये बैठे हुआ है तो ये बता रहे थे सांभर है ये। तो कुछ कुछ दूरी पर मतलब हम चल रहे थे, जब जाके हमें कुछ कुछ जानवर दिखाई दे रहे थे, और पानी के साइड चल रहे हैं हम तो मगरमच्छ भी हमको काफ़ी दिखाई दिए, जैसे कि ये देख लीजिए एक मगरमच्छ, क्योंकि धूप है ना तो धूप में सिकने के लिए आते हैं किनारे पे। और बस अभी ये हमने सारा घूम लिया है, काफ़ी देर हमें लगी थी इसमें, 1.5-2 घंटे लगे थे घूमने में, और बहुत बड़ा है तो जानवर हमको थोड़े से ही दिखे थे लेकिन। तो चलिए अब चलते हैं बाहर, ये है बाहर निकलने का। और बस अभी जो भैया आए थे साथ में उनको छोड़ना है हमें, और फिर हम लोग जाएंगे नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ देख लीजिए हम लोग आ गए हैं नाश्ता करने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ की हमें समोसे वगैरह अच्छे लगते हैं, या चाहे हम घर लेके जाएं चाहे यहाँ पे खाएं। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे समोसे वगैरह खाएंगे, और अभी सुबह सुबह का टाइम ही है तो अभी बन भी रहे हैं, क्योंकि सुबह शाम ही बनते हैं यहाँ पे ताज़ी ताज़ी, बढ़िया गर्मा गर्म। और काफ़ी फैमिली भी हैं यहाँ पे जो कि नाश्ता कर रही हैं, तो हम लोग भी बैठ जाते हैं, पहले हैंड वॉश कर लेते हैं अच्छे से, और इनाया सैनिटाइज़र पकड़े हैं। हम लोग आ चुके हैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि हम लोग नाश्ता वगैरह करके नहीं आए थे घर से, तो हमने सोचा कि आज हम यहाँ पे नाश्ता करेंगे। तो यहाँ के समोसे, जलेबी, पेड़े, सब कुछ फेमस है, घर पे भी लेके आते हैं समोसे, तो हम यहीं से लेके आते हैं। तो बस अभी हम यहाँ पर खाने आए नाश्ता करने आए हैं, और यहाँ बैठने का ये ऊपर जगह है, नीचे सब कुछ बनता है। ये यहाँ के ओनर की आवाज है। कटोरी लिया कटोरी। तो बस यहाँ पे हमारा नाश्ता आ गया है, बेड़ी है और समोसे मंगाए हैं, जलेबी, दही और इमरती, तो ये सारा नाश्ता मंगाया है। तो हम लोग नाश्ता करेंगे, और काफ़ी एंजॉय किया हमने, भले ही हमें गर्मी लगी लेकिन एंजॉय बहुत किया, क्योंकि घूमने में तो सबको ही मज़ा आता है, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, तो बहुत एंजॉय किया, और अब हम नाश्ता भी एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी टाइम हो गया है दोपहर का, और मैं करने जा रही थी अपना स्किन केयर, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ कि आजकल क्या मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी स्किन के लिए, क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से हमें अपनी स्किन की एक्स्ट्रा केयर करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि अभी आजकल चल रही है बच्चों की छुट्टियाँ, और अभी हम लोग लेडीज़ थोड़ा सा लगता है कि हम फ्री हो गए हैं तो हम थोड़ा सा घूम फिर लें, क्योंकि फिर कुछ टाइम बाद फिर से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, और फिर रमज़ान भी आ रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, तो फिर हम कहीं नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो उसको हम थोड़ा सा एंजॉय कर लें, घूम फिर लें। तो इसीलिए आजकल हम लोगों का लगा हुआ है घूमना फिरना, तो मेरी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब डल सी लग रही थी, और मतलब क्योंकि बाहर जा रहे हैं, गर्मी है, धूप है और हवाएं भी चलती हैं, तो जो है ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हमारी स्किन पे इकट्ठी हो जाती है, तो इसलिए हमें अपने स्किन को ना पैम्पर करना बहुत ज़रूरत रहती है, कि अगर हम घूमने जा रहे हैं और वहाँ से आने के बाद हम अपनी स्किन के लिए कुछ तो करें थोड़ा सा। तो बस वही मैं करने जा रही थी, मैंने कभी फ्री हूँ
बच्चे भी सो गए हैं तो मैं कर लेती हूँ। तो मैं आजकल जो यूज कर रही हूँ वो आपको दिख रहा होगा, वैसे देख तो गया होगा कि मैं क्या यूज कर रही हूँ। तो जी हाँ, मेरे ये तीन प्रोडक्ट रखे हैं जो कि मैं अभी यूज कर रही हूँ, और ये है बाओ स्किन साइंस का ब्राइटनिंग विटामिन सी फेस वॉश फोमिंग। तो मैं यूज कर रही हूँ विटामिन सी की पूरी रेंज, वैसे पूरी रेंज में जो है ना 5 प्रोडक्ट है, लेकिन मैं जो है ना 3 यूज कर रही हूँ। तो मेरे पास 3 में क्या क्या है, पूरी मतलब कंप्लीट चीज ये 3 ही, क्योंकि फेस वॉश है, फेस पैक है और फेस क्रीम है। तो तीनों चीजों में मेरा फेस के लिए कंप्लीट हो गई, तो मैंने यही मंगाया और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है और ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और गर्मियाँ हैं, अगर घूमने फिरने जाना है तो आप लोग ये चीज़ें मंगा सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। तो चलिए ये मैं बता देती हूँ आप लोगों को सही से कि क्या क्या है इनमें और किन किन चीज़ों से बनी है ये, और ये हमारी स्किन के लिए क्यों ज़रूरी है, ये हमारी स्किन में किस लिए हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना है अपना फेस वॉश, तो इसके लिए हमें चाहिए फेस वॉश। तो ये है बाओ स्किन साइंस का ब्राइटनिंग विटामिन सी फॉमिंग फेस वॉश, जो कि इस तरह की पैकेजिंग में हमें मिल जाएगा कार्डबोर्ड के डब्बे में, और इसके जो अंदर बॉटल आती है वो इस तरीके की बॉटल मिलेगी हमें प्लास्टिक की, और इसके साथ हमें ये मिलेगा सिलिकॉन ब्रश जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं ब्रश। और इसके साथ हमें ये कैप भी मिलता है इसका, कि हम यूज़ करने के बाद अच्छे से धो के इसको और कैप लगा कर रखते हैं। तो ये जो ब्रश है बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है हमारी स्किन के लिए, जब हम इससे अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं फेस फोमिंग को, तो इससे जो है हमारी स्किन बहुत अच्छे से क्लीन होती है और जो भी डलनेस होती है वो दूर करेगा ये, और हमारी स्किन से डेड स्किन को रिड्यूस करेगा और बहुत ज़्यादा अच्छे से हमारी स्किन को ये क्लीन करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए सारे कुछ इसमें दिया गया है। और बाओ की जो सबसे अच्छी बात है ना, मुझे ये लगती है कि बाओ के सारे ही प्रोडक्ट प्लांट बेस्ड होते हैं, और यहाँ देख लीजिए ये प्रोडक्ट में दिया रहता है सारा कुछ, इनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं मिले होते हैं, ये डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड होते हैं, नो पैराबेन, नो सल्फेट, नो सिलिकॉन कलर, यानी कि अच्छे से ये सेफ रहते हैं ये जो प्रोडक्ट होते हैं बाओ के। और यहाँ पे दिया गया है कि ये हमारे स्किन में किस किस के लिए हेल्प करेगा, किन किन चीज़ों के लिए। तो ये हमारा स्किन टोन को ब्राइट करेगा, और ये हमारे एज स्पॉट्स को रिड्यूस करेगा, फाइन लाइन को रिड्यूस करेगा, और स्मूथ हमारे स्किन का कॉम्प्लेक्स स्मूथ करेगा। तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये है मेड इन इंडिया, तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है मुझे। और ये हमें 150 ml की बोतल में मिल जाए, क्योंकि 100 ml की आती है और 50 ml जो 50 ml है ना वो हमें इसमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये और फायदे की बात है, और इन प्रोडक्ट में हमें मिल जाएगा ये QR कोड बाओ का, तो इसको अगर हम स्कैन करेंगे तो इसकी हम ऑथेंटिसिटी हम चेक कर सकते हैं, और इसके डिस्क्रिप्शन में जाके हम इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ये हो गया फेस वॉश। फेस वॉश करने के बाद हमें यूज करना है ये फेस मास्क। तो ये देख लीजिए, ये है बाओ स्किन साइंस का विटामिन सी क्ले फेस मास्क, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है और गर्मियों में बहुत ज्यादा अच्छा है। इसमें आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि किन किन चीजों से ये बना हुआ है, ये देखिए काकाड़ू प्लम और लेमन ऑरेंज एसेंशियल ऑयल, जोजोबा ऑयल, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ों से बने हुए हैं, और आप देख भी सकते हैं इस पर प्रिंट भी किया गया है ऑरेंज वगैरह। तो ये चीज़ें तो वैसे भी अच्छी रहती हैं ऑरेंज वगैरह, तो यहाँ पे देख लीजिए, और ये हमारे स्किन का स्किन टोन बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे ये सारे कुछ जो है ना मेंशन की रहती है, ये देखिए टू हेल्प रिमूव डलनेस ब्राइटनिंग कॉम्प्लेक्स, और ये ऑल स्किन टाइप को सूट होते हैं ये प्रोडक्ट बाओ के, तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। और ये QR कोड हर प्रोडक्ट पे आपको मिल जाएगा।
तो यहाँ देख लीजिए, इसमें यूज़ करने का तरीका भी दिया हुआ है और इसमें क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं वो सारा कुछ दिया हुआ है, और ये हमारे किन किन चीज़ों में हेल्प करेगा तो ये भी दिया गया है। ये देख लीजिए, ब्राइटनिंग टू योर डल, हमारी स्किन टोन को बढ़ाने में हेल्प करेगा। और इसको लगाने के बाद जो है ना, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, फ्रेश फ्रेश लगता है। और इसमें विटामिन सी भी है, तो विटामिन सी आपको पता है बहुत ज़्यादा हमारी स्किन के लिए अच्छी रहती है। और इसको लगाने के बाद सिर्फ इसको 15 मिनट रखना है और उसके बाद हमें इसको नॉर्मल पानी से धो लेना है। और फिर उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे तो वो भी मैं बता देती हूँ। तो उसके बाद हमें यूज़ करना है ये वाओ स्किन साइंस की विटामिन सी फेस क्रीम, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसको हम आराम से लगाकर पूरे दिन रह सकते हैं, क्योंकि एक तो ये चिपचिप नहीं है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगता है और हमारी स्किन में बहुत जल्दी से अब्सॉर्ब हो जाती है। और ये हमारी स्किन में किन किन चीज़ों के लिए हेल्पफुल है तो वो यहाँ पे दिया गया है। विटामिन सी हेलुरोनिक एसिड से ये बना हुआ है और हाइड्रेटिंग करता है हमारी स्किन को, ब्राइटनिंग करता है और एंटी एजिंग में हमें हेल्प करता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी है और ऑल स्किन टाइप को ये सूटेबल है। और ये देख लीजिए, यहाँ पे जो जार है वो है एडवांस टेक्नोलॉजी एयरलेस जार हैं इनके, तो क्रीम वगैरह ख़राब भी नहीं होती है और मेड इन इंडिया है। 50 ml की बोतल में ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये क्रीम है, तो यूज़ करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है और सारा कुछ यहाँ पे मेंशन भी किया रहता है, ये देख लीजिए। और ये हमारे स्किन को जो डलनेस है उसको दूर करेगा, हमारे स्किन टोन को बढ़ाने में हेल्प करेगा। और फेस पैक को हम इससे यूज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी रहता है, तो ये हमें इसके साथ ही मिलता है फेस पैक के। तो ये हैं तीनों प्रोडक्ट, और अगर आप इन तीनों प्रोडक्ट को, अगर आपको ये पसंद आए तो आप भी इनको परचेस कर सकते हैं। फेस विटामिन सी की रेंज है ये, तो इसको आप परचेस कर सकते हैं नायका, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से। और अगर आप बाओ के ऐप को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो बाओ का ऐप भी है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आज जाके उसको डाउनलोड करिए और डायरेक्ट यहाँ से आप इनको परचेस कर सकते हैं।